गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। और आज फिर अनदर डे इन आर लाइव्स। हम आज कैम्ब्रिज जा रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज बहुत मशहूर है वर्ल्ड वाइड, तो आज हमने सोचा हम कैम्ब्रिज जाएं। आज वेदर देखिए, सन इज़ आउट। वैसे यूके के वेदर का पता नहीं चलता, लेकिन आज वेदर बहुत क्लियर है। सो वी आर होपिंग इट्स अ 1 hour 15 minutes ड्राइव टू कैम्ब्रिज। तो हम वहाँ निकलेंगे और हमें आपको अपने साथ लेके जाएंगे कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज की गलियाँ, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी, ये सब हम साथ देखेंगे। तो आई होप यू विल एंजॉय द व्लॉग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। हम लोग कैम्ब्रिज के लिए निकल गए हैं। ये हमें अभी बता रहा है हमारा नेविगेटर 52 miles, विच विल टेक अस 1 hour 10 minutes। तो हम दोपहर तक, मतलब अर्ली आफ्टरनून तक पहुंचेंगे, और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी कैम्ब्रिज तक का। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें।
हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें, वक्त है तो जी। तो अब हम आ गए पंटिंग के लिए। तो पंटिंग इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बोटिंग जो पर्टिकुलरली फेमस है कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड में। और ये बेसिकली फ्लैट बॉटम बोट्स होती हैं जो कहलाती हैं पंट, और ये रिवर या शैलो वाटर में एक लॉन्ग पोल के साथ इसको चलाया जाता है, और जो इसको चला रहा होता है उसे पंटर कहते हैं, जो खड़े होकर पोल के मदद से बोट को आगे लेके जाता है। तो इसमें कुछ पंटर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स भी होते हुआ करते थे कैम्ब्रिज के। अब हमें पता चला है कि ये स्टूडेंट्स को अब अलाउ नहीं है, क्योंकि टीचर्स कहते हैं आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो पंटर्स और पंटर्स को काफ़ी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो बात करते भी चलते हैं। हमारे पंटर भी बात कर रहे थे, लेकिन उसमें हमारी बातें भी मिक्स थीं, तो इसलिए वो आप नहीं सुन पा रहे हैं अभी। लेकिन पंटिंग इज़ अ मतलब इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी। ये देखिए मैंने पानी में हाथ भी थोड़ा सा फेर लिया, जबकि मुझे इरफान कह रहा था कि नहीं हाथ अंदर रखो, क्योंकि यहाँ पे ना टकराने का बड़ा डर होता है, क्योंकि हर तरफ से बोट्स आ रही होती हैं और सब एक्सपीरियंस पंटर्स नहीं होते, क्योंकि कुछ जो टूरिस्ट आते हैं वो खुद अपनी बोट लेके जाते हैं। हमें बहुत सारी दिखी हैं, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है बोट्स का, वैसी फील भी आई थी। लेकिन बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पानी बहुत गहरा नहीं है और लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान से ना चलाएं। तो इस तरफ हमारा जो पहला व्यू आ रहा है, ये आ रहा है किंग्स कॉलेज का। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, ये पहली बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इसका आर्किटेक्चर देखने से बनता है। इस तरफ कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक कर रहे थे, और दोनों तरफ रिवर के आप देखेंगे, ये रिवर कैम है। तो हमें पंटिंग का बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एक अच्छा माहौल था, हसल बसल थी। अच्छा, ये ब्रिजेस भी बहुत आते हैं बीच में पंटिंग के दौरान। 45 मिनट्स का ये पूरा टूर होता है, और ये ब्रिजेस काफ़ी लो होते हैं, तो पंटर्स बड़े एक्सपीरियंस के साथ अपना सर बचा के और पोल को बचा के गुजरते हैं। तो हमें कभी कभार लगता भी था ये टकरा ना जाएं, लेकिन ये बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो हम बस ये देखिए, अब नज़ारा आता है सेंट जॉन्स का। ये अकोमोडेशन भी है, कॉलेज भी है। यहाँ पे कुछ डक्स इन्जॉय कर रही हैं एक स्विम। तो पंटिंग का अपना एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी आपको, आप कैम्ब्रिज आएँ तो पंटिंग ज़रूर करें। ये 45 मिनट्स का टूर होता है, काफ़ी अच्छा, वेदर अच्छा होगा तो आप और इन्जॉय कर सकेंगे। ये एक खूबसूरत सी बिल्डिंग अभी आएगी, जिस पे पूरी बेलें भरी हुई हैं। अभी तो ग्रीन लग रही हैं, लेकिन इस पे जब फूल लगते हैं तो ये रेड हो जाती है। तो बड़ा ही अच्छा मौसम था, उसमें ये बोट राइड या पंटिंग राइड वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ।
ये किंग्स कॉलेज फिर आ रहा है हमारी, हम जब वापस जा रहे थे। ये कुछ इंटरेस्टिंग सी जगह थी। यहाँ से फिर हम लंच की तरफ गए, हमने रैप्स लिए एक मार्केट स्टॉल से, वो हमने गार्डन में बैठ के सबने खाए। फिर मैंने कॉफ़ी और स्कॉन्स लिए और सबने आइसक्रीम ली। जो आइसक्रीम की शॉप थी वो बहुत बिजी थी, तो इन लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा, मुझे तो कॉफ़ी आराम से जल्दी मिल गई। तो फिर हम सब ने मिल के थोड़ी सी यही कॉफ़ी और आइसक्रीम एंजॉय करी, एंड देन वी वर गेटिंग रेडी टू हेड होम। व्यूअर्स, अब हम लोग अपने कैम्ब्रिज के ट्रिप के अख्ताम पे हैं। हम लोग अब वापस लंदन की तरफ कूच कर रहे हैं। मैं उर्दू के सखील अल्फाज यूज़ कर रही हूँ, वैसे इतनी उर्दू आती नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। और हमारा कैम्ब्रिज का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने साइट सीइंग करी, हमने खाना खाया और वहाँ पे पंटिंग करी। पंटिंग का एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है कैम्ब्रिज आने का। तो आप लोग जब भी कैम्ब्रिज का आपका टूर बने या ट्रिप बने तो आप ज़रूर पंटिंग ट्राई करिएगा। मौसम भी अच्छा था, इट वाज नॉट कोल्ड, तो सब लोगों ने एंजॉय करा और लास्ट में हमने आइसक्रीम और कॉफ़ी ली। तो बस आज का ये ट्रिप हमारा ख़त्म होता है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह हम लोग फिर किसी और शहर में किसी और ट्रिप पे निकलेंगे तो आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है तो अब फिर से कर लीजिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। यू टेक केयर एंड हैव अ गुड इवनिंग, वॉट एवर यू डूइंग, जस्ट स्टे सेफ एंड हैप्पी। टेक केयर।